की ओल्ड वर्ल्ड मंकी। अब एप्स में हम लोगों ने गिबन, देन हम लोगों ने ऑरंगुटान ऑरेंज बॉडी कवर एंड द मस्कुलर गोरिल्ला एंड द चिंपैंजी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि मैन में जो मंकी थे उनमें दोनों मंकियों के बीच में क्या डिफरेंसेस थे ओल्ड और न्यू वर्ल्ड। तो आपको नोट्स में कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो लिखवाए। इसमें न्यू वर्ल्ड मंकी साउथ और मिडिल अमेरिका के, ओल्ड वर्ल्ड मंकी अफ्रीका और एशिया। अब एक ये वो पॉइंट है जो पहले आता था अब नहीं आता, लॉन्ग एंड प्रीएंसाइल टेल होती थी और उनमें नॉन प्रीएंसाइल। यहां पर पहले न्यू वर्ल्ड और ओल्ड वर्ल्ड मंकी को हम लोग जिस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ाते थे दैट इज फ्लेची राइनी, एंड मैंने आपको एग्जांपल लिखा दिया था कि न्यू वर्ल्ड का एग्जांपल था स्पाइडर और ओल्ड वर्ल्ड के थे रीसियस। ठीक है, अब इस वजह से क्या एक लाइन बताई थी मैंने आपको चित्र के द्वारा, ओल्ड वर्ल्ड मंकी हमारे क्लोजेस्ट है। ये एनसीईआरटी का टर्म था कि तीसरा और छठा क्रोमोसोम हमारा और एप्स का सिमिलर है, ह्यूमन में 46 और एप में 48, और बेबी स्कल जो है चिंपैंजी का वो हमारे ज्यादा नजदीक है। एप और ह्यूमंस में हम लोग ने काफी डिटेल में देखा था, यहां इसकी बॉडी जो है पूरी तरह से सीधी नहीं है और हम लोग पूरी तरह से सीधे हैं। और फोर लिम्स के बारे में मैंने आपको बताया था, एप्स के लॉन्गर है हमारे शॉर्टर है। दूसरा मैंने हेयर बताया था बॉडी पे ज्यादा डेंस क्या है एप्स के, और हमारे स्केंटी है बिखरे हुए जगह जगह पे। एंड जॉस को देखें तो उसका यू शेप है हमारा, चिन एब्सेंट हमारे अंदर प्रेजेंट है। क्रेनियल कैविटी मैंने यहां पे सिंपल इतना लिख दिया कि ये जो है कम है और हमारे अंदर ज्यादा है। ठीक है ना, ये मैंने एक डायग्राम बनाया था जिसमें आप लोग को ये दिखाया था कि हम लोग का ओरिजिन कहां हुआ, यहां कहीं हुए। ये देखो 60,000 इयर्स नियर अबाउट यहां थे, और कैसे कैसे किस किस टाइम पे हम कहां कहां फैले हैं वो हमारे फॉसिल रिकॉर्ड्स की तरफ से। यहां से हम फैले और यहां आए, दिस इज मेडिटेरियन कैस्पियन सी, यही हमारा सिविलाइजेशन हुआ, और ये हमारा नियंडरथल चला, ये हमारा क्रोमैग्नन इधर, और पूरी हम नए संसार में पहुंच गए, फिर वापस आए, फिर ब्रीड किए, और हर तरफ हमारी ब्रीड जो है मिक्स्ड हो गई। सो ये ह्यूमन का स्प्रेडिंग था, और इतना हम स्प्रेड किए कि संसार के लगभग हर भाग पे हम लोग घूमे थे। तो इसलिए कहते हैं हमारी माइग्रेटरी हैबिट की वजह से हमारा सबसे ज्यादा क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ। एक सिंपल सा ये चित्र दिखाया है कि ह्यूमन के जो फॉसिल्स जो मैंने अभी मैन फॉसिल्स पढ़ाए आपको, ये तीन भाग फॉसिल में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस एंड होमो सैपियंस, यही नाम थे। इन्हीं चीज को हम लोग ने डिटेल आउट किया था एक एक चीज करके, हम लोग ने सबको कौन कैसा था किसका क्या हमारे से लिंक है, क्योंकि ये पॉइंट्स बेटा हम क्रैश कोर्स के बच्चों को इतना ही ज्यादा से ज्यादा कर नहीं पाते, क्योंकि एक घंटे के अंदर सब कुछ पूरा इवोल्यूशन खत्म करना होता है। अब यह है कि जो बच्चे इसमें स्मार्ट होते हैं पढ़े हुए होते हैं वो चाहते हैं हमें बहुत जल्दी रिवीजन करा दो आप और क्वेश्चंस कराओ, तो उन लोग के लिए ये सब स्लाइड्स बना देते हैं। आप लोग के लिए इसलिए अच्छी है क्योंकि अभी हम लोग पढ़ के इसको दोबारा 2 मिनट में पूरा फिर से रिवीजन कर लिए। यहां पर मैंने आपको ट्राइपिटक से संबंधित बात बताई थी, कॉमन एंसेस्टर मैन और एप का है, और राम और शिवा जो है शिवालिक हिल से मिले। नीचे हमने एनसीईआरटी की लाइन लिख दी कि राम पिथेकस वॉज मोर मैन लाइक वाइल ड्राई पिथेकस वॉज मोर एप लाइक, और शुरुआत में देखो लिख दिया है ड्राई पिथेकस लगभग 15 मिलियन ईयर्स अगो, ये लाइन थी, ये सब एनसीईआरटी की है। नाउ ये है ऑस्ट्रेलोपिथेकस के लिए जिसमें ये बताया प्रोफेसर रेमंड डार्ट ने खोजा चोंग बेबी स्कल अफ्रीकेनस, और ये लगभग 2 मिलियन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड। क्या खाते थे और क्या स्टोन वेपन्स यूज करते थे, क्रेन का बिस्टी नियर अबाउट 600, ये कनेक्टिंग लिंक हिला जाता एप्स और, यहां वो लिख दिया फर्स्ट बाइपीडल है जो सीधे होके चले, मतलब दो पैरों पे चले। ये
एक क्वेश्चन एक बार आया था, एक बार क्या चार पांच बार आ चुका है, उसको बहुत डिटेल करते थे इसी चित्र को दिखा के बच्चों को, क्योंकि ये चित्र देखने के बाद बच्चों के वो दोनों क्वेश्चन सही होते थे। एक ये कि ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस है। अगर हम इस चित्र को देखें तो ये देखो, ये रहा ब्रेन साइज, तो ब्रेन साइज लगातार बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाए क्या था जो इवोल्यूशन की डायरेक्शन में हुआ मेनली, इंक्रीज इन क्रेनियल कैपेसिटी। और अगर ये ऑप्शन नहीं है तो फिर दूसरा ऑप्शन टिक करते हैं, वो क्या था कि जबड़ा देखो ऐसे बाहर निकला हुआ है, ये धीरे धीरे अंदर हो रहा है और रिड्यूस हो रहा है, यानी जॉ का साइज क्या हो गया, रिड्यूस। तो पहला ऑप्शन हम ढूंढते हैं ब्रेन का बढ़ना, नहीं दिया तो दूसरा ऑप्शन क्या ढूंढते हैं, जॉ का छोटा होना या ऑर्थोगेनेटस कंडीशन में जाना। ये वो शॉर्ट फॉर्म में होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस। होमो हैबिलिस 2 मिलियन ईयर्स उन्हीं फॉसिल्स के साथ मिले थे, ऑस्ट्रेलोपिथेकस के साथ, और लगभग 50,000 साल बाद, याद है। अब इनके लिए शायद ये मीट नहीं खाते थे, प्रोगेनेथस हो गई फर्स्ट टूल मेकर या हैंडीमैन। ये क्रेल केमिस्ट्री याद करनी, एनसीईआरटी ने दी थी, ये दोनों लाइनें एनसीईआरटी की हैं। ये होमो इरेक्टस 900 से 1050 सीसी, भाई जो जिस देश में मिला हमने वो नाम रखा। अब इन तीनों में से वास्तव में आग इसने खोजी, इसने भी उसका उपयोग किया। इसकी क्रेनियल कैपेसिटी 900 सीसी, इसकी 1075। ये होमो सेपियंस जो वाइज मैन थे, इन वाइज मैन में ये तीन नाम थे, होमो सेपियंस नीएंडरथलेंसिस, होमो सेपियंस फॉसिलिस क्रोमैग्नन एंड होमो सेपियंस सेपियंस, यही चीज तो हम लोगों ने नाम पढ़े थे। अब इन तीनों में से सबसे पहला होमो सेपियंस नीएंडरथलेंसिस, ये मिला तो जर्मनी में था लेकिन ये बहुत सारी जगह घूम रहा था, और वो जगहें क्या थी, ईस्ट एंड सेंट्रल एशिया। यहां लिख रखा है इसने स्किन एनिमल्स की यूज की थी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये रिचुअल बर्न करता था अपने जानने वालों को, रिचुअल मतलब मना बना के कि एकदम उसको सेरेमनी के रूप में। दूसरा जिस समय था ये आज से 1,40,000, और इसकी क्रेनियल कैपेसिटी लगभग हमारे जितनी थी, लगभग 1400 इतना है। इसका जबड़ा अभी भी क्या था, किस ओर बढ़ रहा था, ऑर्थोगेनेस, लेकिन है कितना, तो प्रोगेनेथस। इससे नीचे एक पॉइंट और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ये कैनिबल्स थे, ये अपने ही लोगों को मार के बिरादरी को खा जाते थे। ये हम लोगों ने अपने क्लोजेस्ट एंसेस्टर और अपने बारे में एक साथ बात करी है, ये लगभग 50,000 से 10,000 साल, और हम लोग लगभग 10-12,000 साल पहले के हैं, और इससे लगभग आसपास आइस एज था। इसकी क्रेन कैपेसिटी लगभग 1650-1600 सीसी, हमारी 1450, और दोनों का जबड़ा, और हम दोनों ने तमीज सीख ली थी। इसने एनिमल्स डोमेस्टिकेट किए थे, किस किस को किया था, डायनासोर एंड डॉग, इनको क्या करता था, डोमेस्टिकेट करता था। अब ये मैंने एक नाम यहाँ पे क्यों लिखा, क्योंकि मुझे बहुत ही ज्यादा हार्दिक खुशी, हार्दिक पांड्या, हार्दिक धोनी, हार्दिक कोहली हुआ जब मैंने एनसीईआरटी में अपने देश का नाम पेपर छपते हुए देखा। भीमबेट का रायसेन मध्य प्रदेश में एक जगह है, हम दुनिया में फ्रांस फ्रांस के वैली की रिकॉर्डिंग पढ़ते हैं और वहां के लिए फॉसिल्स देखते हैं, इससे सुंदर भीमबेट का में, यानी इसी तरह के जो लोग थे वो हमारे देश में भी थे, और ये प्रथा आज भी हमारे यहां है। हमारे यहां जब भी घर में कोई नया मेहमान आता है, कोई स्त्री आती है, कोई घर में होता है, तो हम लोग कहते हैं उस घर में अपनी छाप लगा दो, हाथ के मार्किंग्स। इसी तरह से ये लोग क्रोमैग्नन अपने परिवार के जितने भी लोग होते थे उनके हाथ को जिस शिकार को करते थे उसके ब्लड में डुबो के निशान लगवाते थे। तो उस केव में अगर एक जगह खूब निशान लगे हुए तो यह पता चल जाता था कि इस ग्रुप में कितने लोग होते थे। और आप इस चित्र को देखिए बाकायदा, ये जिन लोगों का शिकार करते थे उन लोगों के चित्र को उन्हीं के ब्लड से दीवार पर बनाते थे, यानी इसलिए कहा गया था प्री हिस्टोरिक केव आर्ट या कलर्ड पेंटिंग्स। कलर्ड क्यों, क्योंकि जो कलर इन्होंने यूज किए ब्लड के अलावा
वो कलर आज भी है, सच है। हम और आप कोई शर्ट पहनते हैं पिंक लाइट येलो कलर की, वो 10-12 धुलाई के अंदर पता नहीं समझ में आता कि व्हाइट थी या ब्लू थी। और ये देखिए 10-10, 20-20 हजार साल पुरानी आर्ट और आज भी है, सच है उसी कलर में। यानी इनको कलर मिक्सिंग भी मालूम थी। इतनी बात समझ में आ रही है। और ये हम लोग हैं, हम लोग क्या खेती बाड़ी करना सीख गए? मॉडर्न होमो सेपियंस ड्यूरिंग आइस एज लगभग 75,000 से, एक आइस एज नहीं, आइस एज कई आई है, 75,000 साल के आसपास से आइस एज आनी चालू हो गई है। और टीवी देखेंगे तो हर जाड़े में न्यूज रिपोर्टर जो है वो आइस एज ले आते हैं, तुरंत बोलते थे हल्का सा तापमान बढ़ जाए हिमयुग आ गया, और तुरंत बोलते हैं कि हिमयुग आ गया। इतनी बात समझ में आ रही है। पिताजी के तीन बेटे, एक बेटा ज्यादा कमा रहा है, तो ये थोड़ी कहेंगे उसकी उसकी कमाई को देखते हुए हमारी कमाई कम हो गई। मेरी बात समझ में आ रही है। यहां तक हम लोगों ने कुछ बातों को देखा। आइस एज बेटा हमारी बॉडी उतनी तो बच्चों को या लोगों को सिखाते हैं और हम ऐसे ही बताते हैं। तो यहां पर एक छोटा सा टॉपिक हम लोगों ने इसको खत्म करने की कोशिश करी। आज की कथा बेटा यहीं तक रखते हैं और बाकी की बातें आपके दूसरे सर देखेंगे। एस्क्रिटी सिस्टम नया चैप्टर होगा। कौन पढ़ाएगा सर? पता नहीं। एस्क्रिटी सिस्टम मॉड्यूल नंबर 7 लेके आएंगे। कॉपी यही होगी, इसी के आगे लिखेंगे। देखो बेटा करना पड़ेगा यही। ताली बजा ले।